पूरे वचन और आश्वासन दिया गया कि अब इस यूटी को हम संरक्षण भी देंगे और संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के छठवें शेड्यूल में देंगे, ये वचन दिया गया था। वचन भी सरकार ही से आया था, रूलिंग पार्टी से ही आया था। अलग अलग मंत्रियों ने, अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग सरकारी इदारों ने लिखित में ये आश्वासन, ये वचन लद्दाख को दिया था और हम भी निश्चिंत थे कि जिसने ये सबसे बड़ी मांग पूरी की वो छोटी मांगे तो पूरी करेंगे ही, क्योंकि यही मांग भी थी लद्दाख की, यूटी विद लेजिस्लेचर प्रोटेक्टेड बाय सिक्स शेड्यूल। मगर अब 3.5 साल आने को आए और इस छोटे मांग पर, छोटे जो प्रावधान है उस पर हम कुछ कंजूसी देख रहे हैं सरकार से। हमें अभी भी उम्मीद है कि बात शायद ऊपर के उच्चतर स्तर तक पूरे से नहीं पहुंची है, वरना हम काफ़ी मायूस भी हैं कि जो वार्तालाप हुए दिल्ली में कल 19 जून को, उसमें हालांकि सरकार को मालूम था लद्दाख के लोग क्या मांगते हैं, उन मांगों को उस सूची तक में रखने का पूरा जवाब नहीं दिया गया और आज एक हफ्ता हुआ मीटिंग के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अभी भी उम्मीद है, मगर पेशेंस, सब्र कि आपने बहुत जगहों पे ये किए होंगे, मगर लद्दाख एक ऐसा जगह है जो नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा और आपको मनवा के छोड़ेगा कि आपने वादा किया है तो आपको पूरा करना होगा। बस यही उम्मीद है आखिर में कि ये सब जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो। यही दुआ है मेरी कि ये सब कहीं नीचे के नेतृत्व से, कहीं नीचे के अफसरों से आई हुई बातें हैं, ऊपर सब कुछ ठीक है, ये मेरी उम्मीद है। यही मैं, इसी उम्मीद पर मैं कुछ और दिन इंतज़ार करूँगा और हमारा पूरा लद्दाख अगले कुछ महीने तक इंतज़ार करेगा कि ये सब हमारा भ्रम था, सच्चाई कुछ और है, सच्चाई की जीत होती है। इतना ही मैं कहूँगा।